यूपी की राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ मुख्तार के मददगारों पर होगी कार्रवाई। शासन को सौंपी गई मुख्तार के मददगारों की लिस्ट, वहीं एलडीए के मददगारों की लिस्ट शासन को सौंपी गई है। लिस्ट में मुख्तार के कई मददगारों के नाम शामिल हैं। इंजीनियर्स नजुल अर्जुन समेत कई जिम्मेदारों के नाम इसमें शामिल हैं। एलडीए से मांगी गई थी मुख्तार के मददगारों की लिस्ट, शासन ने 20 फरवरी तक मांगी थी मददगारों की लिस्ट। नियमों के खिलाफ घर का नक्शा किया गया था पास, ऐसे में लिस्ट मांगी गई थी। अब इन पर शिकंजा कसा जाएगा, कार्रवाई होगी। लिस्ट में मुख्तार के कई मददगारों के नाम शामिल हैं। तो मुख्तार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब मुख्तार के जो मददगार हैं, करीबी हैं, उन पर गाज गिर रही है। एलडीए से मांगी गई थी मुख्तार के मददगारों की लिस्ट, जिसने भी मुख्तार अंसारी की मदद की है उसकी लिस्ट मांगी गई है। शासन ने 20 फरवरी तक मांगी थी मददगारों की लिस्ट। नियमों के खिलाफ घर का नक्शा किया गया था पास, किसने किया, किस लिस्ट पे किया गया, ये मांगा गया रिपोर्ट में। खबर ये लखनऊ से आ रही है। मुख्तार के मददगारों पर अब कार्रवाई होगी, शिकंजा कसा जाएगा, इससे मुख्तार की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। शासन को सौंपी गई मुख्तार के मददगारों की लिस्ट, क्योंकि 20 तारीख तक लिस्ट मांगी गई थी, ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। एलडीए मददगारों की लिस्ट शासन को सौंपी गई है। लिस्ट में मुख्तार के कई मददगारों के नाम शामिल हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गए। निकिता, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब उनके जो मददगार हैं उन पर गाज गिर रही है। बिल्कुल खुशबू, अगर बात करें तो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है, और मुख्तार की जो अवैध संपत्तियां हैं उस पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। जिन अधिकारियों ने माफिया मुख्तार के जो डालीबाग स्थित घर है उनका नक्शा पास किया था, अब जो सबकी लिस्ट है वो सीएम योगी ने तलब की है। और सीएम ने इस निर्देश से जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है यानी एलडीए है, वहां पर हड़कंप मच गया है। और माना जा रहा है कि साल 2007 से 2017 तक इस क्षेत्र में जितने भी इंजीनियर हैं और मानचित्र विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहे हैं उन पर गाज भी गिर सकती है। काफी एक्शन लिया जा रहा है और सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए पत्र भेजा गया है, जिसमें निकिता आंद्रखाने से क्या पता चल रहा है कितने लोगों के नाम इसमें शामिल है। देखिए, ये अभी सूची है, जिस तरीके से इन लोगों ने अवैध कब्जे में हेल्प की है, जिस तरीके से उन्होंने मदद की है, और फिलहाल अभी नाम तो साबित नहीं है क्योंकि ये गोपनीय तरीके से जाएंगे और उसमें जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या नाम सामने आते हैं। फिलहाल इसको लेकर होम मिनिस्ट्री ने भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिपोर्ट की तलब की है, और इसमें मुख्य तौर पर डालीबाग की बिल्डिंग को शामिल किया गया है। खुशबू, निकिता, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।